ट्रिनिटी कराटे का सेक्रेटरी भी हूँ, अगर मैं कुछ जीता नहीं ना तो ये ब्लॉग डालूंगा नहीं मैं। ये देखो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज है 2 अप्रैल और आज मेरा कराटे का इंटरवर्सिटी है, मतलब ऑल आयरलैंड इंटरवर्सिटी। और जिसको पता नहीं है वो मैं ट्रिनिटी कराटे का सेक्रेटरी भी हूँ, तो कैप्टन नहीं जा रहा, वो 5th ईयर में है, उसका मेडिकल वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह है तो वो नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ। बाकी 4-5 लोग और आ रहे हैं और बस मैं लुइस लेके UCD जा रहा हूँ। अभी स्ट्रीट पे उतरा हूँ और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। देखो मौसम भी अजीब सा ही हो रहा है, पिछले 4-5 दिन से तो ठंड, मतलब धूप निकल रही थी, लेकिन अब फिर से वही हल्की हल्की बारिश वाला मौसम स्टार्ट हो गया है। UCD वाली बस आ रही है 39A 4 मिनट में, और वो कैश भी निकालना है वहाँ देने के लिए। कैश सोसाइटी से रिफंड हो जाएगा लेकिन अभी हमें ही देना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे एक्सपायर है, उसके अंदर ATM होएगा, वहाँ से फटाफट से कैश निकालता हूँ क्योंकि अभी उसके बाद पता नहीं कितनी देर में आएगी बस। बस में बैठ गया हूँ और धूप भी थोड़ी बहुत निकल रही है। यहाँ पे सारी बसेस डबल डेकर ही होती हैं, तो उसके फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हूँ मैं। और ये देखो, ये मेरा कॉलेज है ट्रिनिटी, वो देखो ट्रिनिटी का लोअर स्टॉप है ये, और एंट्रेंस मेन एंट्रेंस इस साइड आएगी, अभी आने वाली है, देखते रहना। ये रही मेन एंट्रेंस है कॉलेज की, ये है 39A का लास्ट ऑफ UCD कैंपस। और कैंपस देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, मैंने सुना है कि UCD का कैंपस बहुत बड़ा है, कभी आया नहीं हूँ तो एक बार देखता हूँ कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है। देखने में तो बड़ा लग रहा है, मतलब साइज़ में मेरे को ये तो पता है ट्रिनिटी से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है वो नहीं पता मेरे को। ये देखो मैप वगैरह सब लगा रखा है, इसमें स्पोर्ट्स सेंटर ढूंढता हूँ भी कहाँ पे है। भाई कैंपस बड़ा तो है क्योंकि मैंने अभी स्पोर्ट्स सेंटर देखा कितनी दूर है, तो वॉकिंग 15 मिनट दिखा रहा है मेरे को, तो 20 मिनट में तो मैं अपनी एकोमोडेशन से ट्रिनिटी पहुँच जाता हूँ, और ये 15 मिनट खाली स्टॉप से लेकर वहाँ तक के दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स सेंटर तक के। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, और बीच में हल्की सी धूप निकली थी वो भी गायब हो गई है, तो सोने पे सुहागा। और हाँ ट्रिनिटी में यार जब भी जाओ थोड़े बहुत लोग दिख जाते हैं, यहाँ मैं अकेला देख रहा हूँ खुद को, लाइक कोई नहीं है। बस में भी मेरे साथ 2 लोग और थे बस, या तो आज सैटरडे है इसलिए, लेकिन सैटरडे संडे को यार ट्रिनिटी में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब लोग दिखते ही रहते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही खाली पड़ा है। मैं थोड़ा सा जल्दी भी आ गया हूँ, लाइक अभी 8:15 हो रहे हैं, 8:30 से रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट है, तो इतनी जल्दी आ गया हूँ तो क्या करूँ, कैंपस ही घूम लेता हूँ थोड़ा। ये देखो भाई हाथ हिल रहे हैं मेरे, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। सेंटर चला जाता हूँ भाई, जगह मिल गई जाने के लिए, यस सेंटर खुला हो भाई, काश पॉइंट वाला तो खुल गया था, ये अगर नहीं खुला होगा तो भाई जम जाऊंगा भाई, मैं थोड़ी देर अंदर खड़ा रहूंगा। ये इनकी ऑन कैंपस रेजिडेंस है और देखने में तो अच्छी लग रही है, अंदर में गया नहीं इसके, और अभी जाने की हालत में हूँ भी नहीं। और सेंटर की एंट्री कहाँ से है, ये UCD विलेज कुछ है, सेंटर के अंदर जाके देखता हूँ बस क्या है। मैंने सोचा था कि कैंपस भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, लाइक घुमा दूंगा साथ साथ में, लेकिन नहीं भाई नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा कैंपस है इनका। चलते चलते दिमाग ख़राब हो गया मेरा, 5 मिनट से चले जा रहा हूँ, 10 मिनट और चलना है अभी, ऊपर से ठंड इतनी हो रही है। वो तो 4-5 मिनट सेंटर के बाहर बैठ गया था थोड़ा, तो गर्मी आ गई है। मैं शायद से इनके स्पोर्ट्स सेंटर पहुँच गया हूँ, गूगल मैप्स पर लगाया था मैंने, तो यहीं कहीं दिखा रहा है, शायद से वो वाला होगा, पता नहीं कौन सा वाला है, यहीं कहीं है। ये देखो इनका ग्राउंड वगैरह, मैं स्पोर्ट्स सेंटर पहुंच गया हूँ इतनी बारिश के बाद, और लोग आना स्टार्ट हो गए, लाइक वो भी कराटे वाले हैं, और अभी बहुत लोग अंदर भी जा चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा गीला भी लगाऊँ, सूखने का थोड़ा वेट कर रहा हूँ। और 10:10 हो रहे हैं और बस अभी स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ रेडी वगैरह हो गया है, जजेस वगैरह आ गए हैं,
बस अब कह रहे हैं 10:15 पे स्टार्ट कर, अगर मैं कुछ जीता नहीं ना तो ये ब्लॉग डालूंगा नहीं मैं पक्का से। मेरा अभी भी कुमित बचा हुआ है और बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है, पूरी रात नहीं सोया हूँ। अभी मेरे को ब्रेक मिला था अभी, तो ब्रेक में थोड़ा कैंपस वगैरह घूम रहा हूँ और इतनी भयंकर तेज़ नींद आ रही है ना भाई, मतलब किसी तरीके से अपनी आंखें खोलने का ट्राई कर रहा हूँ, बस आंखें खुली रहे मेरी, क्योंकि अभी एक इवेंट हो गया है, एक इवेंट और बचा है। कैंपस तो भाई हर जगह इनकी फुटबॉल फील्ड है, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे क्या क्या है। एक दिन यहाँ पे ना अच्छे से टाइम लेके आऊँगा और खाली UCD की वीडियो बनाऊँगा। अभी तक ट्रिनिटी की नहीं बनाई है मैंने, लेकिन UCD की बनाऊँगा। एक फुटबॉल फील्ड हो रही है, वहाँ पे मैच चल रहा है, बाकी छोटे केजेस तो हैं यहाँ पे, और चार केजेस मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं और वहाँ पे भी उस साइड बहुत सारे केजेस हैं। तो भाई खेल कूद की जगह है, पढ़ाई मेरे को नहीं लगता यहाँ पे होती है। अबे चार नहीं है, चार ऐसे 8 है भाई यहाँ पे। भाई मैं यहाँ होता ना, सच बता रहा हूँ, पूरे दिन खेलता, मैं नहीं पढ़ता यहाँ पे। अरे देखो भाई, हॉकी का ग्राउंड ही बना रखा है इन्होंने, ट्रिनिटी में नहीं है हॉकी का, लेकिन यहाँ पे है। ये रही स्पोर्ट्स बिल्डिंग और यहीं पे हो रहा है अभी टूर्नामेंट। यहाँ पे कैफे वगैरह है और आगे अंदर जाके टूर्नामेंट हो रहा है। भाई कैंपस मेरे को तो काफ़ी पसंद आ रहा है, जनरली बता रहा हूँ, ट्रिनिटी का है अच्छा कैंपस, लेकिन इसके कंपैरेटिवली छोटा है। और 3 हॉल हैं शायद से, मेरा भी सी हॉल में है, तो वो भी देख रहा हूँ बस कौन से, मतलब देख तो लिया ही है, दिखा रहा हूँ। वो देखो, वो लिखा है UCD कराटे, और सब पता नहीं आए अभी तक नहीं आए, आ गए काफ़ी लोग आ गए। तो टीम कुमित ख़त्म हुआ है, कुमित में मेरे को मेडल नहीं मिला था, उसकी कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन टीम कुमित में एक और गोल्ड मिल गया। तो एक गोल्ड काता का हो गया, एक गोल्ड अभी टीम कुमित का हो गया, तो 2 गोल्ड हो गए। इससे अच्छा इंटर वर्सिटी जा नहीं सकता था मेरे लिए, क्योंकि 12 कॉलेज हैं उसमें से 2 गोल्ड तो मेरे हो गए। तो हाँ भाई, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, 2 मेडल दिखाऊँगा अभी तुम्हें, 2 मेडल दिखाऊँगा। साढ़े 4 बज गए हैं और अभी सब कुछ ख़त्म हुआ है, अभी बस मेडल सेरेमनी होगी, मेडल लूँगा और फटाफट से निकल जाऊँगा, काम करना बहुत ज़्यादा, नींद भी उतनी आ रही है, लेकिन परसों क्लाइंट वाला जो काम चल रहा है वो करना है सबमिट, तो बस अभी सब वेट ही कर रहे हैं मेडल सेरेमनी होने का। मेडल सेरेमनी वगैरह सब ख़त्म हो गई है, सब पैकअप वगैरह चल रहा है, सब जा रहे हैं अभी। और ये रहे 2 मेडल, 2 गोल्ड इंटरवर्सिटी कराटे टूर्नामेंट 2022, 2 गोल्ड मेडल, और मज़ा आ गया, लग नहीं रहा था 2 मिल जाएंगे, लेकिन मिल गए फाइनली, तो अब बड़ा खुश खुश जाऊँगा। ये देखो, कराटे करा है मैंने 4 साल बाद, फिर भी 2 गोल्ड ले लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। चलो अब थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, एक मीटिंग भी अटेंड करनी है, जाता हूँ मीटिंग अटेंड करता हूँ, प्रोजेक्ट का काम करता हूँ और लग जाता हूँ नॉर्मल रूटीन पे अपने। टूर्नामेंट ख़त्म हो गया और धूप भी अब सही निकल गई है और बहुत मज़ा आया, काफ़ी लोगों से बात हुई, कराटे बहुत टाइम बात करा, तो मतलब बहुत लोगों से मिला, अच्छा लगा। और ये देखो 2 भैंस की आँख, और ये देखो 2 मेडल भी हैं, 2 गोल्ड, एक काता का, एक टीम कुमित का। तो हाँ, जहाँ भी खुश खुश रहा हूँ, मैंने कहा था कि मेडल नहीं जीतूँगा तो वीडियो नहीं डालूँगा, लेकिन अब जीत गया हूँ इसलिए देख रहे हो वीडियो। देखो क्या लिखा है, देखो ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसे ऑल आयरलैंड कराटे इंटरवर्सिटी चैम्पियन 2022, और 2020 में हुआ नहीं था तो उन्होंने मेडल प्रिंट करवा के रख रहे थे, उसी के पीछे 2022 लिख दिया,
लेकिन मेरे को क्या, मैं तो जीत गया ना, बस खुश हूँ। सिटी आ गया हूँ वापस और बड़ा खुश खुश आया हूँ। ये देखो दो मेडल फिर से दिखाऊंगा, ये देखो ये रहा एक, ये रहा दो, दो दो जीता। हाँ तो अब बस पॉइंट जाना है, वहाँ से अभी स्ट्रीट से लूस लूँगा और अभी बिल्कुल यहीं पर खड़ा हूँ, बिल्कुल ही सेंटर में जाते हैं, पहुँचते हैं और गुड डे, बहुत मज़ा आया।